एक बार फिर से सुन लीजिए बेटा, जो पीरियोडिक टेबल है ना वो हुंस रूल के हिसाब से चल रही है। हुंस रूल कहता है सबसे पहले भरता है 1s, पीरियोडिक टेबल में भी सबसे पहले पीरियड में भरता है 1s, 1 और 2। हुंस रूल के हिसाब से फिर भरता है 2s और उसके बाद भरता है 2p। पीरियोडिक टेबल में भी पहले एलिमेंट भरते हैं 2s1, 2s2, एस ब्लॉक के 2, फिर पी में 6। थर्ड पीरियड में भी हुंस रूल के हिसाब से भी 2p के बाद भरता है 3s, फिर 3p। हमारे पीरियोडिक टेबल में भी 3s में 2 यानी कि एस ब्लॉक, 3p में 6 यानी कि पी ब्लॉक के 6। फिर फोर्थ पीरियड में आ जाओ, हुंस रूल के हिसाब से भी पहले भरता है 3p के बाद 4s में 2, यहाँ पे भी पीरियोडिक टेबल में भी पोटेशियम और कैल्शियम भरता है, और फिर सबसे पहली बार यहीं से चालू होता है डी भरना, क्योंकि हुंस रूल भी कहता है 4s के बाद भरेगा 3d, कितने 10। फिर वापस पी भरता है, और वो पी कौन सा होता है बेटा, 4p। हुंस रूल के हिसाब से फिर भरता है 4p, कितने 6। मेरी बात समझ पा रहे हो बच्चों? मतलब हुंस रूल पूरा बेटा वैलिडेट कर रहा है पीरियोडिक टेबल को। एटॉमिक स्ट्रक्चर सर, पता नहीं क्या मैथ्स लगा लगा के आपने क्वांटम मॉडल बनाया, और दुनिया में पाए गए एलिमेंट्स और उसको अरेंज करके बनाई गई पीरियोडिक टेबल भी वैलिडेट कर रही है। हेलो, तो ये साइंस वाकई में बहुत खुश हो रही थी अपने आप को। 5s में भी बताओ बेटा, कॉमन सेंस बताओ, सबसे पहले क्या भरेगा 5s में 2, फिर क्या भरेगा बच्चों, एक कम यानी कि 4d में 10। हेलो, फिर क्या बच्चे भरेगा बच्चों, 5p में 6। हेलो, यस। फिर 6th पीरियड में स्टार मार्क लगा रहता है क्योंकि पहली बार f की शुरुआत होती है। अब आप जानते हो क्या सबसे भरेगा सर, जो पीरियड नंबर है वही नंबर होगा s का, तो 6s2। फिर भरेगा, सारे d नहीं भरते सर, एक d भरता है, एक कम 5d1। ये कौन होता है, नाम बताएगा कोई बच्चा? जब 5d1 भरा तो ये कौन सा एलिमेंट है? ए ब्लॉक। अबे कौन सा नाम चाहिए मुझे, बताया हूं मैं, लैंथेनम। लैंथेनम के बाद नेक्स्ट 14 कहां भरते हैं, 4f में, कितने 14। फिर वापस डी भरता है, कहाँ से कहाँ तक फिर भरता है सर, 5d 2 से लेके 10 तक, याद आया? हेलो, यस सर। अभी पी बचा हुआ है, पी का नंबर वही रहता है जो पीरियड नंबर है, फिर भरता है 6p6। और अगर आपको ये सारी बातें समझ में आती है तो 7th पीरियड में एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आप खुद मुझे बताओगे। और सर सच्चाई बताए क्या है बेटा, ये अफबाउ रूल भी यही कहता है कि ऑर्बिटल्स भी इसी ऑर्डर में भरे जाने चाहिए, और उसी ऑर्डर में पीरियोडिक टेबल ने भी चीज़ों को इंक्लूड कर लिया। और अब जब उसका सेग्रीगेशन हुआ तो जो जो एक पर्टिकुलर कॉलम में आ रहे थे यानी कि उसे एक ग्रुप में आ रहे थे उनकी प्रॉपर्टी सेम थी, जो पीरियड में आ रहे थे उनके भी प्रॉपर्टी में कुछ पीरियोडिक चेंज था, एक रेगुलर चेंज था, और यही फ़ायदा है क्लासिफिकेशन का। चलो ये लिख लिया सबने, ये लिख लिया सबने, हटा दूँ? अच्छा नो है, ठीक है लिखो तो भैया। हाँ बोलो, इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाएंगे? नहीं, इस बच्ची को नहीं समझ में आया। हाँ, प्रयास करो बेटा चीज़ें समझने का, और नहीं समझ में आया तो मुंह खोल के पूछो, वरना किसी को वो नहीं आएगा बेटा सपना। संकल्प तुम बताओ, फर्जी लड़का है। लव तुम बताओ, बच्चों रुक जाओ बेटा, फ्रॉड बच्चों सुनो। हाँ, सबसे पहले भरेगा 7s में 2, बिल्कुल ठीक है, फिर 6d, एक कम तो 6d, लेकिन केवल एक भरेगा, ये एक कौन होगा अभिषेक? एक्टिनियम है ना, चलो एक्टिनियम होगा, है ना। नेक्स्ट 6d के बाद एक और कम यानी कि 5f, कितने भरेंगे सर? 14। फिर क्या भरेगा बेटा सर?
नहीं पता। दिव्यांश तुम बताओ फिर क्या भरेगा? 6D भरेगा 2 से लेके 10 तक। फिर क्या भरेगा बेटा? सेवन 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 पी भरेगा कितने? 6। चलो ठीक है बेटा। बाकी लोगों क्या आपको ये बात समझ में आती है? एक बार मैं यही चीज़ पहले लिख लो, फिर मैं आपको यही चीज़ पीरियोडिक टेबल से एक बार फिर दिखाता हूँ। और एक्चुअल सच्चाई ये है बेटा कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स जिस आधार पे भर रहे हैं ना, उसी आधार में बेटा आफबाऊ ने भी कहा था N+L रूल के हिसाब से कि पहले यही सब शेल के एनर्जी कम है, जिनके एनर्जी कम है वो पहले भरेंगे। पॉली ने कहा था एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो उसी आधार पे पीरियोडिक टेबल यानी कि जितने एलिमेंट्स उस समय पाए जा रहे हैं, आज भी पाए जा रहे हैं, उस एलिमेंट्स का अरेंजमेंट भी उसी आधार पे है। ये ऑर्बिटल्स जो हैं बेटा, ये किसी ने भी प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस नहीं है था इनका। ये ऑर्बिटल तो केवल इलेक्ट्रॉन को वेव मान के, इलेक्ट्रॉन पे लिखी गई वेव इक्वेशन को सॉल्व करके पाए गए सॉल्यूशंस का थ्योरिटिकल असेसमेंट है। ये एग्जिस्ट नहीं करती, ये केवल सोच है। हेलो, ये वही 50% है जब आप सिक्का उछालते हो और सिक्का 50% हेड आएगा 50% टेल आएगा जो कहते हो, वो 50% कुछ है थोड़ी, वही वो एक कायदे से केवल संभावना है यानी कि प्रोबेबिलिटी है। वही प्रोबेबिलिटी, वही थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी को हम ऑर्बिटल कहते हैं, विच इज इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना। तो ये तो सर केवल एक कॉपी में लगाए हुआ मैथमेटिकल हिसाब किताब है। यही हिसाब किताब जिसे हम ऑर्बिटल कहते हैं SPDF, ये ऑर्बिटल्स का हिसाब किताब एक्चुअल दुनिया में पाए जाने वाले एलिमेंट्स का जब कैटेगराइजेशन हुआ तो उन्हीं उसी सोच के हिसाब से हुआ। देख भी लो, यही बहुत ज़्यादा बड़ी सुंदरता है क्वांटम मॉडल में और उससे आधार पे बनी हुई इस मॉडर्न पीरियड टेबल में, इसलिए आज तक ये वैलिड है। हटा दूँ, मैं आपको अभी पीरियोडिक टेबल भी दिखाऊंगा, पर पीरियोडिक टेबल दिखाने के पहले मैं एक बात आपको नोट करवाना चाहता हूँ बेटा। आइए वो बात नोट कर लीजिए थोड़ा सा बेटा। कायदे से ना अगर आप आफबाऊ रूल लगाओ ना, आफबाऊ रूल क्या था? N+L रूल। तो अगर आप N+L रूल लगाओ ना, तो N+L रूल के हिसाब से 7s की एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? 7+0। 5f की क्या हो जाएगी? 5+s के लिए 0। PDF मतलब f के लिए l का वैल्यू होगा 3 यानी कि 8, ये 7 है। और इसके लिए निकालोगे तो हो जाएगा बेटा 6+। d के लिए l का वैल्यू क्या होगा, मतलब l का वैल्यू d के लिए क्या होगा? s के लिए 0। PD यानी कि दूसरी उंगली यानी कि 2। अगर आप गौर करो बच्चों तो ये बात सही है। पहले सर, क्योंकि सर सबसे पहले कम है N+L 7s का, तो सबसे पहले 7s भरता है, पीरियड टेबल के हिसाब से भी सबसे पहले ही भरता है सर। लेकिन उसके बाद तो N+L का वैल्यू अगर सेम होता है तो पहले तो वो भरता है जिसका N का वैल्यू कम हो, मतलब पहले सर 5f भरना चाहिए। तो बेटा 5f ही तो भर रहा है 14 तक। पीरियोडिक टेबल ने केवल एक फ्लॉ किया है, क्या 5f 14 भरने के पहले उसने केवल सिर्फ लैंथेनम और एक्टिनम यानी कि 5D1 और 6D1 केवल एक भरा है। हेलो भले ये लैंथेनम और एक्टिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में उल्लंघन करके पीरियोडिक टेबल बनाई गई है, क्यों? क्योंकि 7s के बाद 5f भरना चाहिए, भरता भी 5f ही है, लेकिन 14 के 14 उसी में पहले भरते हैं। लेकिन इसका सबसे पहला 6D1 की शुरुआत हम लैंथेनम और एक्टिनियम से करते हैं जो 61 और 5D1 होते हैं, जो मैंने आपको दिखा भी दिया। और कायदे से डी भरना नहीं चाहिए, पर इसको भरते हैं और फिर नेक्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की लिस्ट नीचे बना देते हैं। अब मैं आपको यही दिखा देता हूँ। देखो आफबाऊ के हिसाब से सबसे पहले भरना चाहिए, क्या भरना चाहिए बच्चों? 1s। तो सबसे पहले भरता भी क्या है? 1s में 2, 1s2। पीरियोडिक टेबल में भी पहले पीरियड में 1s2 यानी कि 2 ही एलिमेंट्स होते हैं। फिर आफबाऊ के हिसाब से नेक्स्ट क्या भरना चाहिए बच्चों? 2s। कितना? 2s में 2, फिर 2p में 6, फिर 3s में 2, 3p में 6। एलिमेंट्स भी उसी ऑर्डर पे भरे जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में भी। फिर आफबाऊ के हिसाब से भरना चाहिए 4s2। देखो पहले 4s के 2 भरते हैं,
4s के दो भरते हैं, मतलब नेक्स्ट हैवियर, हैवियर नहीं, अटोमिक नंबर के आधार पे 19 और 20 कहाँ आते हैं, 4s2। फिर 21 से लेके 30 कहाँ जाते हैं, आपबाव के हिसाब से भी 4s के बाद भरता है 3d, तो यहाँ ये आते हैं 21 से 30 आते हैं 3d में। फिर 31 से लेके आदमी कहाँ भरता है, नेक्स्ट 6 एलिमेंट यहाँ पे, मतलब 4p6। हेलो, तो s का नंबर और p का नंबर, s और p का जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होता है किसी भी एलिमेंट का, वो उसके पीरियड नंबर का ही नंबर होता है। जो d का होता है वो एक कम होता है, देख लो 4s के बाद भर रहा है 3d, आप बहु के हिसाब से भी 4s के बाद भरना चाहिए 3d, फिर भरना चाहिए 4p। हेलो, बोलना पड़ेगा बच्चों। फिर क्या भरता है बेटा, फिर क्या भरता है बेटा, फिफ्थ पीरियड में 5s2, एक कम यानी कि 4d10, फिर सेम यानी कि 5p6, और हाफ बाहू के हिसाब से भी यही सब शेल भरने चाहिए। फिर क्या भरता है बच्चों, 6s2, और सबसे हालांकि हाफ बाहू के हिसाब से भरना चाहिए 6s के बाद 4f, भरता भी 4f है लेकिन केवल एक एलिमेंट, केवल एक एलिमेंट यानी कि 5d1 केवल यहाँ भरते हैं, जिसे हम लैंथेनम के नाम से जानते हैं। लेकिन आप अगर गौर करो ना बच्चों, तो ये लैंथेनम के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट्स हैं, यानी कि नेक्स्ट जो 14 एलिमेंट्स हैं, अगर आप गौर करो तो ये देखो बेटा, लैंथेनम तक कितना होगा बच्चों, 57। फिर देखो 58 के बाद नेक्स्ट 71 तक कहाँ भरे हैं, 4f में भरे हैं। हेलो हेलो, और अगर आप प्रॉपर्टी में भी देखो ना बेटा, तो भले लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5d1 है, लेकिन अगर आप यहाँ कलर का पैटर्न देखो तो बेटा ये सारे डी ब्लॉक का कलर एक सा है, ये लैंथेनम का कलर कुछ अलग सा है, और ये लैंथेनाइट सीरीज जैसा है, एक्टिनाइट का कलर कुछ अलग है और एक्टिनाइट सीरीज के एलिमेंट जैसा है। मेरी बात समझ रहे हो, प्रॉपर्टीज जो है इसकी नीचे वालों से ही मैच कर रही है। हेलो हेलो, बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. तो कायदे से 6 पीरियड का कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, सबसे पहले भरता है सर 6s2, फिर एक कम 5d1, फिर भरते हैं सर 4f के 14, फिर भरते हैं सर 5d के 2 से लेके 10, और फिर भरते हैं सर 6p6। सेम ऐसे नीचे भरेगा 7s2, 6d1, 5f14, फिर 6d2 से लेके 10, फिर 7p6। हेलो हेलो, बोलना पड़ेगा बच्चों, समझ में आती है बात सबको पक्का? चलो, अगर ये बात समझ में, आपके लिए सवाल है, आपको मुझे ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर और ब्लॉक नेम बताना है निम्नलिखित एलिमेंट्स का। बता सकता हूँ, सवाल पूछ सकता हूँ, आगे लिख लिया तुमने? चलो, पहला एलिमेंट लिखेंगे बच्चों रोमन नंबर 1। मैं सीधा एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे रहा हूँ, मुझे ये तीन चीज़ें चाहिए हैं। जो पहला एटॉमिक नंबर मैं आपसे जान, आप सोच लो बेटा, आपको एलिमेंट का नाम तक नहीं पता लेकिन आप ये निकाल लोगे, पता है, ये जो मैंने आपको जानकारी दी है ना उसकी मदद से। लेट्स से आप मुझे बताओ बेटा 73, बताइए, प्रयास करो, वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 73 है वो कौन से ग्रुप, कौन से पीरियड और कौन से ब्लॉक का होगा, बताओ। जो मैंने आपको नोट लिखवाया है और जो भी मैंने आपको समझाया है कि पहले पीरियड में 1s2, गिनते चलो, मैजिक नंबर्स भी आपको पता ही है। एक मिनट का समय लीजिए, होता है तो बोलो, नहीं होता तो बोलो। अब ऐसे सवाल को करने का अप्रोच क्या होगा, आइए ऑब्जर्व करें। मैंने स्क्रीन जा के वर्टिकल कर दी, मेरे को जगह ज़्यादा चाहिए। देखो बेटा, शायद बच्चों मैजिक नंबर्स आपको पता है, पहले पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, दो, दूसरे में, दूसरे में बोलना पड़ेगा, आठ, तीसरे में आठ, मतलब जो तीसरा पीरियड का आखिरी एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, जोड़ दो जरा, 8, 8, 16, 16 और 2, 18 होगा तीसरे पीरियड का आखिरी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 18, तो 18 तक तो कहानी खत्म हो गई सर। ठीक, नेक्स्ट, चौथे पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं सर, 2, 8, 8, 18, 18, पांचवें पीरियड में भी होते हैं 18, तो आओ जोड़ते भी चलें, 18 प्लस 18 बच्चों, 18 प्लस 18, 36, 36 प्लस 18,
मतलब बच्चों जो फिफ्थ पीरियड का आखिरी एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 54. ठीक है, मतलब सर इसके और नीचे का है. तो सिक्स पीरियड में आते हैं. सिक्स पीरियड में कितने एलिमेंट्स बढ़ते हैं बच्चों? 32, क्योंकि यहाँ से एफ चालू हो जाता है, एफ में 14 और बढ़ जाते हैं तो 32. तो 54 प्लस 32 बच्चों 86. मतलब सर आपने जो हमसे एटॉमिक नंबर पूछा है वो पूछा है 73, और ये सर 54 से 86. सर मतलब एक चीज़ तो पक्का हो गया, हमारा कौन सा पीरियड में हमको मिल जाएगा? पीरियड नंबर फिक्स हो गया सबको? हेलो हेलो, बोलना पड़ेगा भाई. यस सर. तो पीरियड नंबर सिक्स पीरियड फिक्स हो गया. अब आओ देखते हैं कौन से ग्रुप में आ रहा है. कैसे देखेंगे सर? आगे बढ़ रहा हूँ बेटा मैं. देखो सर 54 तक की तो कहानी हो गई, तो सिक्स पीरियड का जो पहला होगा वो होगा 55 और नेक्स्ट होगा 56. ये तो हो गया सर एस ब्लॉक. फिर जो 57 होगा सर ये पहला होगा कौन सा? 5D1 वाला, यानी कि लैंथेनम. हेलो yes. और फिर नेक्स्ट 14 एलिमेंट्स, मतलब 58 से लेके 57 प्लस 14 इज हाउ मच बच्चों? 57, 67 और 4, 71. हेलो 71. तो ये जो नेक्स्ट होंगे बच्चों ये भरेंगे एक और कम, यानी कि 4F में. हेलो यस सर. मतलब नेक्स्ट आएगा सर 72 और उसके नेक्स्ट आएगा सर 73. हेलो 73 यस सर. अब अगर आपसे बच्चों कोई ग्रुप नंबर पूछे तो ये जो सारे के सारे 4F के भरे हैं ये तो सब लैंथेनम के अंदर ही भरे हैं, इनको कोई अलग से ग्रुप तो मिला नहीं है. हेलो यस सर. तो लैंथेनाइट सीरीज का अगर कोई भी होता तो उसका ग्रुप नंबर तो 3 ही कहलाता, जो कि लैंथेनम इनके डैडी का ग्रुप है. हेलो यस सर. तो ग्रुप नंबर 3 हो गया, ये 4 हो गया, मतलब ग्रुप नंबर होगा बच्चों 5. किसी को कोई तकलीफ? किसी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं है? ये फटाफट ये सारी एक्सरसाइज आंसर के रूप में अपनी कॉपी में कर लो, ताकि आप अभी तो आप समझ गए हो लेकिन घर जाके तत्काल एक घंटे में भूल भी जाते हो ना. आजकल सब बच्चे गजनी बच्चे, यूरिया खाने वाले बच्चे. तो ये छापो जरा. हाँ ऑब्वियसली बात है बेटा, क्यों एफ ब्लॉक के बाद अब किस में भरेगा बेटा? ये जैसे 5D1 हुआ, ये हो जाएगा 5D2, ये हो जाएगा 5D3. तो ये आंसर पूरा हो गया. सिक्स्थ पीरियड थर्ड, सिक्स्थ पीरियड फिफ्थ ग्रुप एंड डी ब्लॉक एलिमेंट. हेलो यस सर. छापो जरा, मतलब खुद को समझाने के लिए, जैसे मैंने किया है खुद को समझाने के लिए. आपसे कोई ये सवाल स्कूल में नहीं पूछ रहा बेटा, पर भी अन्यथा बहुत जरूरी चीज है. चलो लिखो तो. हाँ बोलो. ये जो लिखने, हालांकि मैं शायद पीरियड टेबल लिखवा चुका हूं पर फिर से लिखवा रहा हूं कुछ एक्स्ट्रा जानकारियों के साथ. हटा दूं? चल कोई रोक नहीं रहा है. अब बेटा जो सबसे पहला वो है एस ब्लॉक. हम सर एस ब्लॉक में हर बार ऑब्जर्व कर चुके हैं, एस ब्लॉक में सर किसी भी पीरियड में एलिमेंट डले सर उसका जो पीरियड नंबर होता है वही उसका वैलेंस शेल नंबर होता है. तो उसको अगर हम एन कह दें तो एस ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट जो होगा सर उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा एन एस, या तो एक होगा सर या तो दो होगा. अगर अल्कली यानी कि ग्रुप वन है तो एक होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप टू है तो दो होगा. तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या हो जाएगा? एन एस वन से टू. वैसे ही पी ब्लॉक का एलिमेंट हमने जाना भी हुआ सर, एन एस में हो जाएगा सर वन, सॉरी एन एस दो तो हमेशा ही भरा रहेगा, तब ना एन पी तक जा पाएंगे. हेलो हेलो. और एन पी सर एक से लेके छः तक भरा हो सकता है. अब बात कर रहा हूँ मैं डी ब्लॉक की, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों. सर डी ब्लॉक में भी अगर आपको किसी भी पीरियड में पहुँचना है तो पहले एस को तो भर के ही आना पड़ेगा. हेलो.
और सर जो, हाँ और सर जो जो डी का वैलेंशियल नंबर होगा ना वो पीरियड नंबर माइनस वन होता है, यानी कि एन माइनस वन होता है। और इसमें डी कहाँ से कहाँ भरता है बच्चों, एक से लेके 10। हेलो, लेकिन बेटा ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों? आप खुद जानते हो बेटा, हर डी के भरने में एनएस दो नहीं भरा रहता। अगर आपने कॉपर और क्रोमियम का केस आपको याद हो एटॉमिक स्ट्रक्चर से, और ये याद हो कि स्टेबिलिटी हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड, फुली फिल्ड की होने के चक्कर में कुछ ऐसे केस हैं क्रोमियम और कॉपर के केस में जब एस का इलेक्ट्रॉन हट जाता है बाहर से और अंदर आ जाता है, यानी कि एन माइनस वन डी में आ जाता है। तो सर ये ना हमेशा दो नहीं होगा, मान सकते हो? ये दो हो सकता है, सच्चाई होती है बच्चों। लिखना वैसे मुझे वन से टू चाहिए, लिखना मुझे क्या चाहिए? हेलो, लेकिन लिख मैं 0 से 2 रहा हूं, क्योंकि बेटा कुछ केस ऐसे भी हैं जिसमें एन 0 भी हो सकता है। खुद सोचो, जब बेटा एस का एक इलेक्ट्रॉन अंदर जा सकता है तो दो अंदर नहीं जा सकते कन फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड कराने के लिए। हेलो, हाँ आपने ऐसा केस देखा नहीं है, पर बेटा क्या आपने सारे एलिमेंट्स की पढ़ाई पढ़ ली? नहीं, एक्चुअल सच्चाई बेटा कुछ एलिमेंट्स हैं नीचे डी में जिनमें एस के दो इलेक्ट्रॉन अंदर चले जाते हैं 3D, जो भी 8 है उस 8D8 को D10 करने के लिए, ताकि फुली फिल्ड हो जाए। ये हमें कैसे पता है सर? एक्सपेरिमेंटल जानकारी है कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी के आधार पे, उसे वॉच करके। बात समझ में आ रही है? हेलो, बोलना पड़ेगा बच्चों, बोलना पड़ेगा बच्चों। यस सर, हटा दूं? कोई रोक नहीं रहा है। आखिरी बात कर रहा हूं बच्चों, एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए मुझे। सर दोबारा, सर एफ तक पहुंचना है तो एनएस तो दो भरेंगे ही सर, और एन माइनस वन का जो डी है ना सर वो एक भरेगा, और एन माइनस और एक और वन मतलब एन माइनस टू में एफ भरेगा। कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके 14, मानते हो? और सेम कहानी बेटा यहाँ पे भी होती है, मतलब कई, अब सर हमको पता है एफ में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 7, तो हाफ फील्ड के लिए 7 और फुली फील्ड के लिए 14, इसका भी हाफ फील्ड और फुली फील्ड में मजा आएगा। तो ये भी अपने बाहरी वाला, बाहरी वाला मतलब ये अंदर का एन एस टू, ये बाहरी वाला मतलब इसके लिए बाहरी है एन माइनस वन डी, वो इसका इलेक्ट्रॉन कई बार खींच लेता है, तो कई बार ये 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। हेलो, नहीं समझ आता? बोलना पड़ेगा सबको। छापो तो हाँ बोलो। इंग्लिश लिखेंगे, पीरियोडिसिटी क्या होता है लिखेंगे, इट इज अ ग्रेजुअल चेंज, इट इज अ ग्रेजुअल चेंज इन अ पर्टिकुलर, इन अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप और अलोंग द पीरियड। इतना लिखो तो हाँ बोलो। टी पीरियोडिसिटी है क्या? हमने सर जो पीरियोडिक टेबल भेजी देखी है, डाउन द ग्रुप यानी कि ग्रुप में नीचे जाते हुए या अलोंग द पीरियड यानी कि हॉरिजेंटली अलोंग द पीरियड जाते हुए हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो कोई भी प्रॉपर्टी, सर 10 प्रकार की हो सकती है, कोई भी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, मान लो उसका मेल्टिंग पॉइंट है, उसका बॉइलिंग पॉइंट, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है उसमें एक ट्रेंड देखेंगे हम, एक चेंज देखेंगे। कब? जब डाउन द ग्रुप जाएं, अलोंग द पीरियड जाएं। उससे फायदा क्या होगा? सर किसी एक व्यक्ति के बारे में कुछ कह दो, बाकी व्यक्तियों के हम बारे में हम रिलेटिव बात कह सकते हैं, इसकी कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी, इसकी बराबर होगी, बात समझ रहे हो? तो उससे हर चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी, एक थ्योरिटिकली
बातें समझने, प्रिडिक्ट करने और पहचानने का एक पैटर्न मिल जाएगा जिसे पीरियोडिसिटी कहते हैं। हेलो हेलो बोलना पड़ेगा सबको। पीरियोडिसिटी क्या होता है आनंद, समझ में आता है? समझ में आता है? चलो यहाँ पे अब इस टर्मार्क में सबसे अब करेंगे अपन ये कि प्रॉपर्टी पहले डिफाइन करेंगे फिर उसका ट्रेंड समझेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे बच्चों कैपिटल ए। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी समझनी है और उसको ट्रेंड देखना है, सबसे ज़रूरी भी होता है, उसको लिखेंगे एटॉमिक रेडियस, स्लैश करके लिखेंगे या एटॉमिक साइज। हेलो बोलना पड़ेगा, दो मिनट, दो मिनट, दो मिनट बस, दो मिनट। एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज लिख लिया था? अरे नालायकों बोलो यार। चलो अब बेटा मोस्ट प्रोबेबली कल संडे है, कल वी आर नॉट मीटिंग, मोस्ट प्रोबेबली मंडे से हम ऑफलाइन ही मिलेंगे, बट आपको 12 से 1 के बीच में मैसेज डाल दूंगा, देन वील टेक अ कॉल। समझ आ रहा है? चलो लेकिन अब मैं दोबारा ऑफलाइन बुलाऊं तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो बेवकूफी करे। क्या ऑफलाइन बुलाना मतलब सबको आना है, ये नहीं कि 4 आ रहे हैं और 6 नहीं। क्या होता है बेटा उससे फिर ट्रेंड खत्म हो जाता है। चलो ठीक है अब जाइए फिजिक्स की क्लास अटेंड कीजिए। फिजिक्स की क्लास में तो जा रहे हो ना सब लोग ऑफलाइन? चलो फिजिक्स की क्लास में अभी यहाँ पे सब ऑफलाइन जा रहे हो? चलो निकल लो फिर, मंडे से अपन मिलते हैं। चलो बच्चों बाय बाय।